ये रिश्ता कहलाता है ने अभी की जिम्मेदारी अब ले ली है अभिमन्यु ने, लाइफ लॉन्ग जिम्मेदारी नहीं बल्कि उनको ठीक करने की जिम्मेदारी। जी हाँ, तो अब जब अभिमन्यु ने जिम्मेदारी ले ली होती है तो कहीं ना कहीं सबकी चिंता थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है, क्योंकि अभिमन्यु एक रिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है ये सब जानते हैं। वही अब हम देखने वाले हैं फैंस की, जहां पर अभिमन्यु जो है वो अपनी लिमिट्स को याद करते नजर आने वाले हैं। जब भी वो अक्षरा को किसी भी मोमेंट परेशान होते देखेंगे तो वो एक तरह से उनकी तरफ इमोशनली बढ़ तो रहे होंगे लेकिन वो खुद को कंट्रोल कर लेंगे और किसी भी तरह से बस जो चीज वो खुद करने जा रहे होंगे वो किसी और से करा देंगे, लेकिन खुद की लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे। वही बहुत ही जल्द हम देखने वाले हैं ये रिश्ते क्या कहलाता है, गंगौर का सेलिब्रेशन होने वाला है, क्योंकि ये रिश्ते क्या कहलाता है कि कहानी में ढेर सारे फेस्टिवल्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी फेस्टिवल्स हैं जहां पर काफी सारे सच का पर्दाफाश भी हुआ है। तो अभी एक सबसे बड़ा सच है जो ये रिश्ते क्या कहलाता है कहानी में सामने आना जरूरी है, हमदारी फैंस की क्यूरियोसिटी भी बहुत तेजी से बढ़ा रहा है, तो वो है अभी और अभिमन्यु के रिश्ते का सच। और अब जो गंगौर सेलिब्रेशन में हम सबको अभिमन्यु आरोही और रूही के बहुत ही प्यारे प्यारे मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं, कह सकते हैं कि फैमिली मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ तक कि अभिमन्यु मंजुमा से वादा भी करते नजर आने वाले हैं कि वो उनको अपनी लिमिट्स याद है, यानी कि अब वो एंगेज हो चुके हैं आरोही से तो उन्हें लिमिट्स याद है और वो उसको हमेशा याद ही रखेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी फैंस कि अभी फिलहाल के लिए तो अभिमन्यु के लिए कहना आसान है, लेकिन आगे क्या हो, जब भी सचिन के सामने आएगा तब भी क्या वो यही कहेंगे। चारिक लिस्ट आप उसकी शुरू रिश्ते क्या खिलाते हैं लगातार देखते रहिए, स्क्रिप्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। कर रहे हैं।